दोस्तों आप सबको तो मालूम होगा कि हमारी लाइफ में सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है, खास करके आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल इतने सारे क्राइम हो रहे हैं और आपके पासवर्ड बहुत ज्यादा हैक हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपकी आईडी वगैरह हैक हो जाती है। दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों ये लैपटॉप या फिर आपके पास अगर कोई डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें भी आपको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें आपको पासवर्ड या फिर अगर आपके लैपटॉप पे फिंगरप्रिंट अवेलेबल है तो फिंगरप्रिंट भी लगा के रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया है कि आप अपने लैपटॉप पे या पीसी पे फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है पराग और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैग बाय पराग में। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट आपको सारे ही डिवाइस में आपको मिल जाएगी, चाहे वो डेल का लैपटॉप हो, एचपी का हो, या डेस्कटॉप हो, या एसुस का लैपटॉप हो, आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो उसमें ये वर्क करता है। तो जो सेटिंग पानी में आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन में आपको चले जाना है। अकाउंट का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साइनिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप ऑप्शन देख सकते हो, तो विंडो हेलो फेस, विंडो हेलो फिंगरप्रिंट, पिन, सिक्योरिटी की, पासवर्ड, की पिक्चर पासवर्ड। दोस्तों अभी हम सिर्फ नॉर्मली बात करेंगे, आप नॉर्मली क्या करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड में चले जाना है। पासवर्ड में जाने के बाद अगर आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मेरा पासवर्ड पहले यहाँ डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अपना पासवर्ड को। अगर आप न्यू पासवर्ड डाल लोगे तो यहाँ पे आपको ऐड लिख के आएगा, ऐड करके वहां पे आप सिंपली अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे को अभी चेंज करना है तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा पासवर्ड डाल दिया मैंने, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने पर जब आप, अगर आपके इसमें पासवर्ड नहीं डाला तो आपको वहां पे ऐड लिख के आएगा, आप वहां क्लिक करोगे तो यही ऑप्शन आपके पास आएंगे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड है, ठीक है, यही आएंगे। तो आपको न्यू पासवर्ड हो भी आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा मेरा नंबर है। दोस्तों आपको कंफर्म पासवर्ड वही वाला डाल देना है जो आपने ऊपर डाला था, और पासवर्ड हिंट पे आपको देखना है। तो आप कोई भी ऐसे मेरे नंबर डाला है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, तो आप ऐसे कोई सा भी हिंट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और आपको उसका अकाउंट, जैसे मेरे यहाँ वहाँ पे कोई भी आपको, जैसे आप डेल का लैपटॉप, डेल लिख के आएगा, एचपी होगा तो एचपी लिख के आएगा, और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपको दोस्तों आपका काम हो चुका है और आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। दोस्तों अगर आप फिंगरप्रिंट अगर पहले ही डालना चाहो, अगर आप सोचोगे कि मैं फिंगरप्रिंट पहले डाल देता हूँ वो और उसके बाद मैं क्या करूँगा पासवर्ड डाल दूंगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको सबसे पहले पासवर्ड ही डालना पड़ेगा, उसके आप फिंगरप्रिंट डाल पाओगे। अगर आप चाहोगे भी तो भी आप फिंगरप्रिंट नहीं डाल पाओगे। दूसरे से मेरा फिंगरप्रिंट पहले से लगा हुआ है, तो मैं दूसरी फिंगर ऐड करके आपको बता देता हूँ कैसा होता है। आपको ऐसे ही ऑप्शन आपको भी देखने मिलेगा, आपको बस गेट स्टार्ट पे क्लिक करना हो। जैसे मैंने यहाँ पिन भी डाल कर रखा है, दोस्तों मैं पिन भी बताऊंगा आपको आप पिन कैसे डाल सकते हो। मैं पिन डाल देता हूँ, तो ये मेरी फिंगरप्रिंट मांगेगा। मैं आपको क्या करना है, फिंगर पे मेरे को ना बस टच करते जाना, ये पूछते जाएगा, मैं फिंगर लगा रहा हूँ, दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट लगा लेता हूँ। दोस्तों फिंगरप्रिंट लग चुकी है, हमेशा दूसरे एंगल से बोलेगा तो दूसरे एंगल से कोई फिंगर लगाओ तो वो उसको कैप्चर करेगा। बस आपको यहाँ पे फिंगर को स्लाइड करते जाना है, अपनी फिंगर को लगाते हैं। आप चाहो तो और दूसरी फिंगर से भी कर सकते हो, ये उसको कैप्चर कर लेता है। अगर आप चाहो तो आप एक बार में दो फिंगर लगा दो तो भी ये उसको ले लेगा अलग अलग एंगल पे करके, तो आप बहुत ही सिंपली से इसमें अपनी फिंगर लगा सकते हो। तो इससे फिंगर हमारी लग चुकी है, ऑल साइड यहाँ पे लिख के आ चुका है, यहाँ पे मेरे को सिंपली क्लोज कर देना। तो इसको क्लोज करने के बाद मेरा फिंगरप्रिंट भी लग चुका है, मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरी स्क्रीन थी, स्क्रीन को मैं लॉक कर देता हूँ, ये मेरी स्क्रीन लॉक हो चुकी है। लॉक होने का मेरे को फिंगरप्रिंट लगाऊंगा और ये ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप, अब आपको क्या करना है कि आपको अपना पिन डालना है, यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने पिन लगाया हुआ है तो मैं इसको
अपनी चेंज पिन में मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को अपना पिन डालना है जो मेरा पुराना वाला है, मैं पिन डाल दूँ। अगर आप अगर न्यू टाइम फर्स्ट टाइम पे, चलिए आपको फर्स्ट टाइम पे ही करके बता देता हूँ। वैसे मैं अपना पिन रिमूव कर देता हूँ, वहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरा पासवर्ड पूछेगा तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अगर आपको पिन डालना है यहाँ पे, आप नया पिन वैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे ये वाले सेक्शन पे जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपसे पूछेगा न्यू पिन, तो आपको न्यू पिन डालना है जो भी आप क्रिएट करना चाहो। जैसे मैंने ये पिन डाला, उसके बाद मैं ये वाला पिन यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन मेरा लग चुका है। तो जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था पिन के बारे में, वहां से भी आप ओपन कर सकते हो। दोस्तों बाकी तो कोई काम के नहीं, अगर आप चाहो तो उसको लगा सकते हो, जैसे सिक्योरिटी की वगैरह है, साइनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, पिक्चर पासवर्ड भी आप कर सकते हो। अगर आपको करना है जैसे यहाँ पे लिखा यू कैन यूज योर फेवरेट पिक्चर टू साइन इन विंडो ऐप एंड सर्विस, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये वीडियो सिर्फ बेसिक का था कि आप बेसिकली अपने कंप्यूटर पे कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जो मैंने प्रोसेस बताया वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ पासवर्ड अपने बहुत सिक्योर डालना कि कोई भी इसको अनलॉक ना कर पाए। थर्ड पर्सन तो खास करके उसको बिल्कुल भी हिंट ना हो कि उसको कैसे अनलॉक करना है, और फिंगरप्रिंट आप अपना डाल के रखें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।